ये यहाँ डिश में आप वैरायटी देख सकते हो अलग अलग, इसमें बिल्कुल नया नहीं है ऐसा बोला, ये मुखवासिया वाला का। चलो हम आगे बढ़ते हैं। मेन का आप इंजन देख सकते हो कितना बड़ा चक्कर है, उसको बहुत हेवी लोड उठाने को होता है, इसलिए नहीं इसको हेवी वजन वाला है। और देख सकते हो वो बोट हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, में अलग अलग पाइप और फिटिंग हुआ है, वो सब भाग है, वो सब जमीन के अंदर जाता है निकालने के लिए। इतना ज़्यादा है वो आप यहाँ से देख सकते हो, एक देख सकते हो एक इंच से भी ज्यादा कट है, इतना हेवी लोखंड है, अंदर से पिघल कट होके होके छोटा हो गया है। तो आप देख रहे थे छोटी बड़ी सब मोटर, ये है एक पार्ट है, ये बड़ी देखो बड़ी वाली मोटर है, सब बोट में यूज होती है। आप देख सकते हो एक बोट में कितनी मोटर निकलती है। इस भाई ने हमारी पूरी हेल्प की है, पूरा हमारा गाइड है, गाइड है, ये सब जगह हमने दिखाई है, भाई की मदद से हम देख पाए हैं। देख सकते हैं यहाँ मशीन पड़ा हुआ है, कितना हेवी है, मशीन पता नहीं किस काम का आएगा। हमारी आंटी बोल रहे हैं कि आगे भी एक मशीन है, आप देख सकते हो कि वीडियो में, फिर यहाँ मजूर एक एक प्लेट उठाने के लिए, आप देख सकते हो कि वीडियो में प्लेट उठाने के लिए कितने मजदूर काम कर रहे हैं। ये जो चीज है मोटर बहुत हेवी, और आप देख सकते हो कि एकदम नई मोटर लग रही है, इसकी एक्सपायरी डेट आ चुके है बोर्ड की, तो भी ये चलने वाली चीज है। अभी वहाँ का लेबल जो ऊपर है, ऊपर जाके उसका लेबल दिखाओ, शिप थी उसकी पावर सप्लाई का, ये यहाँ सब पार्ट मिलता है, आपने देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर वायरिंग देख सकते हैं आप कितनी सारी है, स्विच देख लो, रखने में हमारी उम्र गुजर जाएगी, हमें मिल खबर नहीं पड़ेगा कौन सी लाइट कब बंद करनी है। हम अलंग में आए, वो दादा उसका मालिक है, इसकी शिप थी, वो वीडियो देखा, वो दादा की शिप थी, उसने हमें बहुत सपोर्ट किया और हमने सब दिखाया। देख सकते हो ये सब, ये सिस्टम जो पड़ी हुई है सब फोन है, ये एक कमरे में से दूसरे कमरे में बात करने के लिए ऐसे फोन यूज किए जाते हैं, वो सब फोन का स्टॉक यहाँ है। आप देख सकते हो कि कितने सारे फोन है, एस्टीमर का सब भी स्पेयर पार्ट निकला हुआ है, देखो ये कितना है, लाइट है, लैंप है, हम कोई नाम भी नहीं पहचानते, ऐसा ऐसा सामान है हमारा। आप नजदीक से देख सकते हो इस बोट को कितनी बड़ी और हेवी है बोट, आप देख सकते हो यहाँ एक दूसरी बोट खड़ी हुई है, ये बोट है, आप देख सकते हो इसकी क्रेन जो कितनी बड़ी बनाई गई हुई है, देख सकते हो हमारी भाभी उसको निरीक्षण कर रही है। ये बोट आई है उसका 8 दिन हुआ है, लेकिन वो बोट ने कुछ नहीं किया है, यही से पड़ा है, एक महीने तक बाद वो बोट खुलेगी और उसका वेतन होगा। और सामने देखो ये बोट है ना, वो बोट तो भी आई है, उसको साथे पे खींचना भी अभी बाकी है, तो जब भर्ती आएगी तब वो बोट खींचेगी। देख सकते हो वेस्ट में से बेस्ट चीज बनाई गई हुई है, ये कोई सेफ्टी बोट जैसा है कुछ, उसमें ट्री बोया गया है, आप देख सकते हो ये यहाँ के सब ऑफिस रहती है, ये जो है शिप की मेन ऑफिस है, यहाँ वजन होके सब निकलता है, इतना बड़ा है, अलंग में से निकाला हुआ। ओहो, हमारी गाड़ी छोटी लग रही है, मैं पूरा दिखा भी नहीं सकता हूँ आपको। ये यहाँ की मार्केट है, यहाँ सब होलसेल में मिल जाएगा, सिंगल सिंगल भी मिल जाएगा। टॉयलेट जो ओला करे ना, उबा टॉयलेट से टॉयलेट, ये देखो वासन, ये स्पीकर जो आ स्पीकर नु उबा टॉयलेट, ये लोखंड वाले, ये दरवाजा सब ने एक एक कंट्रोल के, ये सोफा वाले जो बेड वाले सोफा बेड दरवाजा जो ये सोफा, इस साइड देखे तो देखो आप देख सकते हैं इस साइड दरवाजा वाले है, कुर्सी और फर्नीचर वाले है। हम यहाँ विजिट लेने आए, यहाँ सब किचन का सामान आपको देखने को मिल जाएगा, ये सब शिप में से निकला हुआ है। पानी का बोतल ये सब नया ही रहता है यहाँ, देख सकते हो आप, यहाँ सब ये सब
अलग में यूज किया हुआ है और बिल्कुल नया और सस्ते दाम में आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ की मार्केट है, यहाँ सब अलग अलग हमारा हेतांश और भाभी आ रहे हैं। हम तो ये मेला देखकर ही बहुत खुश हो गए थे, ये ले लो ये ले लो ये ले लो, मुझे तो ऐसा लगता है सब भी ले मैं लेकर मैं घर पे जाऊं। ये देखो ये स्पून, मैं तो सोच रहा हूँ कि ये स्पून स्पून में खाना में क्या खाना बनाऊ ये स्पून जो देखकर। सब यूनिक आइटम यहाँ देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ डिश में आप वैरायटी देख सकते हो अलग अलग, इसमें बिल्कुल नया नहीं है ऐसा बोला। ये मुखवासिया वाला कांच का डब्बा देखो, बाउल है कांच का, ये सब बाउल है कांच का, एक कांच का क्या ग्लास है, ये भी बढ़िया ग्लास है देख। ये कुछ नया है, ये गरम चाय के लिए है ना? नहीं ये लाइटिंग है, नहीं ये गरम होता है इसमें पीने का कुछ चाय में हनस। अलग अलग वैरायटी कांच में आप देख सकते हो, ये सब वजन के थ्रू ऊपर मिलता है आपको। एक कपड़ा इत्यादि है जो वजन पे मिलेगा। देख सकते हो आगे एक कांच के बड़े ग्लास, पूरी ट्रे, यहाँ यार्ड पे शिप आता है तो सिस्टम ऐसी रहती है कि शिप में से पूरी डील हो जाती है। समझ लो कि ये किचन का सामान है तो यहाँ का होलसेल जो होता है कोई भी एक जन वो शिप का पूरा किचन का सामान ले लेता है, इसी डील हो जाती है। कोई वायरिंग का सामान ले लेता है, कोई फर्नीचर का सामान ले लेता है, वैसे कोई कचरा पेटी है वगैरह का है, इलेक्ट्रिक सामान है कोई इसका ले लेता है, पूरा फॉर्म भर के पूरा का पूरा होलसेल में माल ले लेता है। यहाँ ऐसे प्लॉट पड़े हुए हैं अलग अलग, मैंने आगे वीडियो में आपको दिखाया है, वैसे अलग अलग प्लॉट पे अलग अलग चीज़ मिल जाती है। वहाँ देखो स्विमिंग पूल वाली सब चीज़ उस प्लॉट में मिलती है, वैसे अलग प्लॉट है, वहाँ फर्नीचर मिलता है अलग अलग प्लॉट। अभी जो हम विजिट ले रहे हैं वो किचन वाले एरिया की विजिट ले रहे हैं, तो यहाँ सब किचन का सामान मिल जाएगा। इस साइड देखो तो इस प्लॉट में हमें सब बेडरूम वाला सब सामान मिल जाएगा, यहाँ बोतलें है वो सब मिल जाएगा, यहाँ स्वेटर वगैरह है वो सब मिल जाएगा, वहाँ सब है वो प्लास्टिक का वो जो डब्बा आता है वो सब है, ये डस्टबिन वाला है। वैसे अलग अलग प्लॉट में अलग अलग सामान आपको देखने को मिल जाएगा और कांच की चीज़ें भी मिल जाएगी। ये सब वजन के ऊपर यहाँ मिलता है, सबकी अलग अलग सिस्टम होती है। वहाँ वैक्यूम क्लीन वाला भी एक हिस्सा था उसमें ऐसा मिल जाता है। अब हम आए हैं यहाँ, सब फर्नीचर वगैरह है जो स्विमिंग पूल के बाजू में चेयर है वगैरह यहाँ मिल जाएगी, ये सब डाइनिंग टेबल यहाँ देखने को मिल जाएगा, स्विमिंग चेयर अब मेरे पीछे देखते हो, ये सब फर्नीचर है, ये फैंसी चेयर है, वो सब अलग का माल है। यहाँ से बोट में जो जो माल निकलता है वो सब आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। विभाग मेरे पीछे आप देख सकते हो सब पाइपों का विभाग है, यहाँ सब अलग अलग तरह की पाइप आपको मिल जाएगी। फर्नीचर की दुकान पे आए हैं आप देख सकते हो यहाँ टेबल लगा हुआ है, ये सब छत वाला ये डाइनिंग टेबल है, चार का डाइनिंग टेबल आपको पीछे चीज का ये सब देख सकते हो, बच्चों के लिए स्टूल है वगैरह, कुर्सियाँ, ऑफिस चेयर आप देख सकते हो, यहाँ डाइनिंग टेबल बनाया गया है एकदम यूनिक पीस है। ये छतरी वाला डाइनिंग टेबल है जो आप छत पर रख सकते हो अपनी, एक कांच का डाइनिंग टेबल आप देख सकते हो, एक चेयर देखो ये पूरा कांच का डाइनिंग टेबल आएगा फाइबर का, ये देख सकते हो हिचका, यहाँ आप देख सकते हो ये सब बोट का माल है, यहाँ बोट में से निकला हुआ देखो ये झूला,
ये डाइनिंग टेबल है जो छत वाला है, ये डाइनिंग टेबल देख लो आप। पीछे जो है अलमारी रखी हुए है, वहाँ एक बेड भी है, ये सब बेड वाला डिपार्टमेंट वहाँ है। आप सब देख सकते हो, यहाँ डाइनिंग टेबल, ये बीच वाली चेयर है। वैसे फर्नीचर का ऐसे ही यहाँ सब मिलता रहता है, अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, आप देख सकते हो सब वीडियो में। ये लकड़े की चेयर है, ये जो फोल्डिंग टेबल है, ये जो यहाँ की ऑफिस है मेन वो है। अभी जो देख रहे हो बच्चों के लिए चेयर देख रहे हैं। ये अलंकार रिसोर्ट है, वो बहुत अच्छा है, सब लोग बोलते हैं, लेकिन हमको यहाँ तो बहुत पसंद है, लेकिन पर हमारे पास समय भी नहीं है।